तो आज हम सबसे पहले काम कर लेते हैं इसके ऊपर, इसकी स्टाइलिंग थोड़ी सही से कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं नैव बार के अंदर। इतनी जूम सही है? देखो ये कार्ट वाला सेक्शन है ना, ये रहा, इस पे काम करते हैं। तो इसको देते हैं सबसे पहले, क्या देते हैं इसको, देते हैं क्लास रिलेटिव, और इसको क्लास देते हैं हम एब्सोल्यूट, ठीक है। टॉप से अगर हम जीरो रखें और राइट से जीरो, अच्छा ये यहाँ आ गया। टॉप से थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसे, टॉप से अगर मैं -10 कर दूँ तो सही तो है वैसे, लेकिन 5 करते हैं यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको मैं बैकग्राउंड रेड देता हूँ, और टैक्स टैक्स वाइट देता हूँ भाई, ठीक है। पी एक सम दे देते हैं, 2 ज़्यादा हो गया, बड़ा कोई नहीं, अभी सही कर लेंगे इसको। राउंडेड लिखना पड़ेगा ना इसमें, राउंडेड मैं कर देता हूँ फुल, टेक्स्ट की साइज अगर एक्सेस स्मॉल कर दे, पीएक्स ज़्यादा हो रहा है, पीएक्स पैडिंग अगर 1 कर दे तो, हाँ ये सही लग रहा है थोड़ा, है ना। इसके अलावा कुछ और चेंज कर सकते इसके अंदर? मेरे ख्याल से तो ये सही है। अब 1 2 करके देख लेते, एक बार ऐड कर लेते हैं। हाँ हो तो रहा है, अब सही दिख रहा है, पहले से तो सही है। इसमें 2 ऐड करते हैं, हाँ तो सही है, अभी के लिए तो अच्छा दिख रहा है मेरे ख्याल से तो, है ना यार। हो तो गया, इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है? सही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओके नाइस। अब नेक्स्ट टारगेट क्या रखते हैं, कि जैसे ये मान लो यूजर नेम यहाँ पे अगर तुम्हारा लॉगिन करने के बाद दिखा रहा है ना, तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे लॉगआउट बटन दिखाए, अगर यूजर नेम ना हो तो लॉगिन बटन दिखाए, राइट। तो इसको कर लेते हैं एक बार, नेव बार में चलते हैं। देखो यूजर नेम मतलब यहाँ पे तुम्हारा अगर नेम है, तो नेम ये आ कहाँ से रहा है, पहले ऐप में चलो। अगर ऐप में चलोगे तो तुम देखोगे ये यूजर नेम है ना, यही तो शो कर रहा है यहाँ पे, राइट। यूजर नेम तुमने कहाँ सेट किया था, तुमने सेट किया था डिस्प्ले नेम में, देखो ये रहा यूजर नेम, सेट यूजर नेम में, ये डिस्प्ले नेम कर दिया, सेट हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ, अगर यूजर नेम, देखो यूजर नेम अगर आ जाए ना, तो तुम शो करो लॉग आउट बटन, अगर ना आए तो लॉगिन बटन शो करो। तो यूजर नेम से काम करेंगे हम, चलते हैं काम है लॉगिन वाले सेक्शन में, ठीक है। यूजर नेम यहाँ पे है पहले से ही, लॉगिन क्यों, नया बार में चलना पड़ेगा ना, यूजर नेम तो है, चलो इससे तो काम हो जाएगा। और कहाँ पे है वो बटन, यूजर नेम यहाँ पे, ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है ओके। यहाँ पे हम कंडीशन एक डालते हैं कि भाई अगर यूजर नेम हो, तो अगर यूजर नेम है तो तुम क्या करो, ये शो करो, नहीं है तो ये शो करो, ये तो कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, यूजर नेम है तो मान लो यूजर नेम है तो लॉग आउट शो कर रहे हैं, राइट। वैसे लिख के देखता हूँ बस, लॉग आउट और लॉग इन, नहीं तो लॉग इन, ये शो करना है, राइट। ओके अभी तो कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने तो ऐसे लिख दिया, यूजर नेम है तो लॉग आउट वाला बटन, यूजर नेम है तो उसका नेम भी चाहिए और लॉग आउट का बटन चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाला बटन। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स ही कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है, ये तो हो गया। अगर यूजर नेम ना हो तो हमें लॉगिन का बटन चाहिए, राइट, मतलब बटन चाहिए, मतलब बटन चाहिए, कौन सा चाहिए, ये वाला बटन चाहिए। कॉपी करो और कर दो यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या चाहिए हमें, लॉग आउट, ये एरर क्यों आ रहा है, मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट, अच्छा ओके कोई बात नहीं, भी हम पेरेंट एलिमेंट दे देंगे, लो
ये खत्म कहाँ हो रहा है? यहाँ ठीक है, अभी के लिए हमारे पास लॉग आउट बटन आ चुका है जो हमें चाहिए था। अगर यहाँ पर मैक कोड है तो लॉग आउट बटन आ जाए जो आ चुका है। ठीक है ओके नाइस, अभी तो मैंने लॉग इन कर रखा है इसलिए लॉग आउट तो आएगा ही आएगा। ओके नाइस, वेरी नाइस। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इस लॉग आउट पे फंक्शनैलिटी पे काम करना। जैसे लॉग आउट पे क्लिक करो, ये मैक कोड जो भी मैंने लॉग इन लॉग आउट लॉग इन कर रखा है वो चला जाए, तो इसके लिए फायरबेस पे काम करना पड़ेगा, है ना। और लॉग आउट का बटन कहाँ चला गया इसका? यूजर ने मेरा लॉग आउट का बटन ये रहा, ठीक है इस पे काम करना पड़ेगा अभी हमें। अब मैं चाहता हूँ जैसे लॉग आउट बटन पे क्लिक करूँ ये लॉग आउट हो जाए। देखो अभी तो क्लिक करूंगा तो लॉग इन पे चला जाए क्योंकि हमने फंक्शनलिटी दे रखी है लॉग इन पे चला जाए, लेकिन लॉग आउट करना अभी तो हमें पहले बात तो इस पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा। ठीक है इस बटन है ना लॉग आउट, इस पे ऑन क्लिक फंक्शन लगाओ, इसमें लिखो हैंडल लॉग आउट, लॉग आउट। ठीक है इसी कॉपी करके ऊपर कॉल कर लेते हैं इसे, मतलब डिफाइन कर लेते हैं। अब देखो फायरबेस में चलते हैं और देखते हैं लॉग आउट कैसे, क्या दे रखा है फायरबेस ने लॉग आउट के लिए। ये तो हो गया देखो क्रिएट ईमेल का हो गया, ठीक है ये होगा तुम्हारा साइन इन साइन आउट। साइन आउट का कहाँ है भाई? ये रहा तुम्हारा साइन आउट का, देखो कुछ नहीं करना इसमें, बस साइन आउट को कॉल करना है हमें किससे, हमें करना है साइन आउट को कॉलना है फायरबेस से और गेट ऑथ को कॉल करना है। ये बोल रहा गेट ऑथ को भी कॉल करना है, गेट ऑथ। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूं, अगर मैं बस इसको कॉपी पेस्ट करके लिख दूं तो साइन आउट हो जाएगा, देखते हैं एक बार। इस पे किया क्लिक, ओके। और इस ऑथ को हमें गेट ऑथ, हमें किसको कॉल करना है, गेट ऑथ को और साइन आउट। गेट ऑथ, गेट ऑथ तो हमने नहीं लिखा, एक मिनट मैं बता देता हूँ किसको कॉल करना है तुम्हें। हमें ऑथ चाहिए ना, ऑथ ही में तो है सब कुछ। तो अगर हम फायरबेस में जाए तो फायरबेस कहाँ गया भाई? देखो हमें क्या चाहिए था, ये ऑथ चाहिए, बस ऑथ हमने कर रखा है ना, तो ऑथ से ही सारा कुछ काम हो रहा है, तो हमें बस ऑथ चाहिए। गेट ऑथ तो उन्होंने ले रखा है, इन्होंने गेट ऑथ नाम दे रखा है। देखो मैं बताता हूँ ये सारा काम हमें गेट ऑथ से कर रहे हैं, ठीक है। हम हमारे पास क्या है, ऑथ है बस। गेट ऑथ और ऑथ एक दोनों सेम ही है इनका, ठीक है इनका सेम है, मतलब हमारा हमारे पास ऑथ है, इनके पास गेट ऑथ है, तो हमें ऑथ से काम करना है। तो नैव बार में चलते हैं, हमें चाहिए क्या, ऑथ चाहिए राइट। देखो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हटाओ यहाँ से, इस ओथ को ना डायरेक्ट यहाँ कर दो, इस ओथ को डायरेक्ट यहाँ कॉल कर लो। देखो ओथ फायरबेस से आ क्यों नहीं रहा सजेशन यार, एक मिनट, फायरबेस से आना चाहिए ओथ। हाँ ये रहा, देखो ये चाहिए हमें डॉट, बस ये चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ओथ में जाएगा, ओथ में हमारे पास यूजर वगैरह भी जो भी है वहाँ पे साइन आउट को कॉल कर लेगा, बस और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे साइन आउट सक्सेसफुल, यहाँ पे हम एक टोस्ट लगा देते हैं। टोस्ट कैसे लगाया था हमने, अगर चले साइन अप पे तो टोस्ट टोस्ट टोस्ट, यहाँ पे नहीं लगा रखा मैंने टोस्ट। टोस्टर कहाँ गया भाई, ऐड टू कार्ट में चले, ऐड टू कार्ट, ओ सिंगल प्रोडक्ट में भी लगा रखा होगा मैंने, नहीं, ऐड टू कार्ट में लगा रखा है ना, तो ऐप में चलना पड़ेगा, ऐप डॉट जेएस में जाओ। और टोस्टर कहाँ है भाई, ये रहा, इसको कॉपी करो, टोस्ट डॉट सक्सेस, अच्छा चलो यही लिख दो वो आ जाएगा, टोस्ट डॉट सक्सेस लिखोगे तो आ जाएगा। नेव बार में चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टोस्ट, ये हो रिएक्ट, ओके डॉट सक्सेस। यार सक्सेस ओके,
और यहाँ पे देखे लॉग आउट, लॉगआउट सक्सेसफुली है ना, ये लिख दे। और यहाँ पे लिख देते कंसोल में डॉट लॉग, या फिर एक काम करते रुको कंट्रोल जेड, इसको ही कॉपी करते हैं, कॉपी और पेस्ट, यहाँ पे हम एरर लिख देते हैं। और इस एरर को यहाँ कॉल कर लेते हैं, ये टोस्ट डॉट एरर, तो ये टोस्ट एरर का है ठीक है, और बाकी उसका है, ये एरर इसका है, कंसोल में जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे शो कर देगा ठीक है। चलते हैं फिर लॉग आउट का देख लेते हैं एक बार, लॉग आउट हो रहा है कि नहीं ठीक है। देखो मैं यहाँ पे हूँ, रिफ्रेश किया मैंने, लॉग आउट पे किया, लॉग आउट सक्सेसफुली आ गया ठीक है। फिर से लॉग इन करते हैं, क्या था हमारे पास मैक कोड एट द रेट gmail.com, ओके 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, और मान लो पासवर्ड में गलत डालता हूँ, यहाँ पे कुछ गलत डाला तो भाई एरर आ रहा है ठीक है। ओके ये तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 मैक कोड इनवैलिड क्रेडेंशियल, ये सही टू डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, भाई इनवैलिड क्यों बता रहा है। वो फायरबेस में चले देखे क्या लिखा हुआ है, फायरबेस स्टोर में यहाँ पे चले तो जीमेल होगा, यहाँ पे मैक, अच्छा मैक लिखा है बस ओनली, ओके mac@gmail.com, और क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6, अब तो लॉगिन हो जाएगा। हाँ भाई लॉगिन हो गया, चलो ठीक है, यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, चलो बढ़िया है, बन गया मतलब लॉगिन लॉग आउट तो बन गया हमारा सही से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो यहाँ ऐड टू कार्ड, पता नहीं ऐड टू दूसरी बार में आ रहा है यार, पता नहीं क्यों। उस पर चलते हैं, ऐप में चलते हैं ना, वहाँ पता लग जाएगा। ऐड टू कार्ट है, इस पे बोला कि अगर प्रोडक्ट अच्छा एग्जिस्ट है पहले से ही है तब ही करना है। नहीं, तुम्हें पहले नहीं करना, तुम्हें करो यहाँ से कंट्रोल एक्स और बोलो कि अगर प्रोडक्ट ऐड होता है तब ये टोस्ट दिखाओ ना, राइट। हाँ अभी देखते हैं इसको काम करता है कि नहीं इसमें, हाँ अभी कर रहा है, हाँ सही है, अभी सही है। यहाँ पे चलते हैं, ओके ऑल प्रोडक्ट में भी देख लेते एक बार, हाँ सही है, मतलब अभी सही काम कर रहा है। अभी नए बार में और भी काम करना है यार, नए बार में चलते हैं। देखो अभी तो मैं अगर रिस्पॉन्सिव में देखूँ ना, तो रिस्पॉन्सिव में तो यहाँ पर ठीक है, ये आ रहा है होम, होम पे ऑल प्रोडक्ट मैंस किड्स ये तो है नहीं, होम पे क्लिक करो तो होम पे जाना चाहिए, ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो ऑल प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, अभी तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा राइट। तो अभी इस पे काम करना पड़ेगा, इस वाले सेक्शन पे, इस पे लॉग आउट, लॉग इन लॉग आउट तो चलो यहाँ ही पे है, और कुछ करना है इस पे काम। हाँ इस पे बस लिंक देना है हमें, ऑल प्रोडक्ट मैन और किड्स, मैन और किड्स तो मैंने हटा दिया है, अभी मेरे पास क्या है अबाउट और कॉन्टैक्ट है राइट। अब इस पे काम कर लेते हैं, यही वाला सेक्शन होगा मेरे ख्याल से ठीक है, ये वाला सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन है, होम लिखा है, ऑल प्रोडक्ट्स लिखा है, मैन किड्स नहीं लिखा है, मेरे को चाहिए क्या अबाउट, अबाउट चाहिए ओके, और चाहिए कॉन्टैक्ट ठीक है, ये तो लिख दिया। हमें अब चाहिए लिंक ना, लिंक चाहिए, लिंक तो ऑल प्रोडक्ट्स में होम पे भी नहीं लिख रहा, होम पे तो है लिंक, अच्छा होम पे है तो यहाँ भी लिंक दे ही दो, फिर क्या दिक्कत है, लिंक क्या है भाई, ये इसको करो कॉपी,
ठीक है, इसका काम हो गया और अबाउट का रह रहा है ना। थोड़ा सही कर लेते हैं, हो गया ये शायद। ये लिंक अब क्लिक करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट में आ तो गया हूँ। देखो ऑल प्रोडक्ट में मैं आ गया हूँ, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे इस पे क्लिक करूँ तो ये चीज़ हट जाए, जैसे इस पे क्लिक करूँ तो ये चीज़ हट जाए, ना कि यहाँ पे क्लिक करने पे हटे, है ना। ये चीज़ चाहिए मुझे, जैसे अभी होम में आ गया। इस चीज़ को कैसे करें अब? इस चीज़ को कर सकते हैं, जैसे मान लो इस पे मैंने क्लिक किया था ऐसे, तो इस पे ये कर रहा हूँ मैं, इसको इस बटन पे जो भी मैं कर रहा हूँ ना, वो फंक्शनलिटी मेरे को चाहिए हर एक इस पे, राइट। ये कट वाला बटन जो भी कर रहा हूँ, तो ये कट वाला बटन है कहाँ? वैसे देखा जाए तो कहाँ है ये? ओपन फॉल्स, राइट, इसको कॉल करना है बस मेरे को। कहाँ गया कट वाला बटन? टॉगल चेंज क्रॉस, यही होगा मेरे ख्याल से, ऑन क्लिक। इसको ही कॉपी करते हैं और किस पे लगाए? पहले लगाते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे, यहाँ लगाते हैं। अभी देखते हैं करता है कि नहीं काम। ऑल प्रोडक्ट में हाँ कर रहा है भाई, चलो चलो बढ़िया है। तो अब इस चीज़ को हम, मैं सब जगह पेस्ट कर दो इस चीज़ को, ठीक है। अभी देखते हैं कॉन्टैक्ट में भी, चलो सही है। हाँ चलो सही है। और होम पे नहीं किया ना? होम पे भाई, होम कहाँ है तुम्हारा? ये रहा होम, चलो ठीक है। हाँ भाई काम तो कर रहा है बढ़िया, चलो रिस्पॉन्सिव वाला भी काम हो ही गया हमारा ऑलमोस्ट, ठीक है। हाँ हटाओ अब इसको। अब इस नए बार में एक और काम करना, जैसे मैं ऐसे स्क्रॉल करूँ ना तो ये नए बार फिक्स रहे यहीं पे, ये नहीं कि ऊपर चला जा रहा पता ही नहीं चल रहा है ना। तो एक काम करते हैं, नए बार में चलते हैं और यहाँ पे लगाते हैं फिक्स। अगर मैं यहाँ पे फिक्स लिखता हूँ तो देखो इसमें एरर देगा, क्योंकि रिलेटिव और फिक्स एक साथ नहीं लगा सकते हम ना। तो रिलेटिव को हटा देते हैं, क्या दिक्कत है, रिलेटिव नहीं चाहिए। चलो फिक्स हो गया, फिक्स में गायब हो गया भाई। तो फिक्स में गायब हो गया तो पहले इसको टॉप से करो 0, ठीक है। टॉप से करो 0 और जेड इंडेक्स इसका 10 दो। हाँ दिख गया भाई, चलो इसकी विड्थ कर दो अब फुल। चलो हो गया ना पहले जैसे, मेरे ख्याल से तो हो ही गया, और कहीं तो दिक्कत नहीं है ना। हाँ भाई चलो सही है, इसमें भी सही है। ओके इसमें भी सही है, कॉन्टैक्ट में भी सब सही है, चलो बढ़िया है। रिस्पॉन्सिव में कोई दिक्कत तो नहीं है? इसका ऊपर चला गया बट इट्स ओके, कोई इतना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर देखा जाए तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। रिस्पॉन्सिव में थोड़ा दिक्कत तो आ रहा है भाई, तो ये वाला तो सही है, ये भी सही है। रिस्पॉन्सिव में दिक्कत है भैया, रिस्पॉन्सिव में इस वाले को दिक्कत है। ओके दिक्कत है तो यह हीरो सेक्शन ना, इस टैक्स को थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना। तो हीरो सेक्शन में अगर हम जाएं, इसको मैं रिलेटिव दे रखा है, इसको एब्सोल्यूट, इसको मैं अगर 40% करूं तो नीचे आ गया भाई, सही है ना। बाकी तो सब सही है, और कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे ख्याल से, और सब तो सही है। मैं चाहता हूँ ये जैसे चेकआउट पे क्लिक करें ना, यहाँ पे एक मॉडल ओपन हो जाए जिसमें हम सारी डिटेल्स फिल कर सके, राइट। तो इस पे ऑन क्लिक लगाना पड़ेगा एक तो, और एक मॉडल बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, तो यहाँ कंपोनेंट में एक मॉडल का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, और इसके अंदर मॉडल डॉट जेएसएक्स, ठीक है। ओके अब हमें एक मॉडल चाहिए, राइट। ओके
अब यार मॉडल बनाने को तो बना दूंगा मैं, टाइम तो लगेगा। एक बार सर्च कर लेते हैं गूगल पे ही, मॉडल इन रिएक्ट, इस पे देखते मिल जाए तो। हमें चाहिए कुछ फॉर्म टाइप में मॉडल चाहिए। हाँ ये ऐसा कुछ चाहिए। ठीक है ओके, यूज क्लाइंट एक्सपेंड। ओके अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ यहाँ तक, कॉपी कर लेते यहाँ तक। क्लास नेम लिखा है ना सब जगह, ठीक है। और क्या कॉपी करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ये फंक्शन को। इंपोर्ट क्या करना है भाई, ओपन मॉडल सेट, ओपन मॉडल यूज स्टेट। इंपोर्ट हमें चेक बॉक्स चाहिए, लेबल मॉडल फ्लो बाइट। फ्लो बाइट को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? पहले इसको यूज स्टेट ये तो लिख लिया मैंने यार, ये फंक्शन कंपोनेंट भी लिख दिया मैंने, इसको हटाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है ऑन क्लोज मॉडल। ये यार एक काम करता हूँ, रुको एक मिनट। एक तो ये कॉपी करना है बस हमें, इसको क्या कर रहा हूँ यार मैं। अभी दिक्कत कहाँ है भाई, हाँ कहाँ दिक्कत है। अच्छा ये फंक्शन क्लोज नहीं है, ठीक है भाई क्लोज कर दिया, अब हो गया सही। अभी तक तो सब सही है। अगर ये बोल रहा है कि भाई बटन चेकबॉक्स लेबल मॉडल टेक्स इनपुट ये सब यूज करना है, तो फ्लो बाइट को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्या? एक तो यूज स्टेट इंपोर्ट करना पड़ेगा पहली बात तो, इंपोर्ट हो गया चलो। और ये चेक बॉक्स बटन मॉडल मॉडल यूज करना है भाई, तो फ्लो बाइट को इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक बार देख लेते हैं इंस्टॉल करते हैं क्या। npm i इंस्टॉल फ्लो बाइट, अच्छा ठीक है ये इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके अलावा तो कुछ नहीं करना ना। ऐड टू फ्लो बाइट प्लग इन टेलविन कॉन्फिगर, पहले इसको इंस्टॉल कर देते हैं कंट्रोल जे। इसके अलावा क्या बोल रहा है, ऐड द फ्लो बाइट टेलविन कॉन्फिगर में फ्लो बाइट को, ये प्लग इन में इसको करना पड़ेगा कॉपी। एलविन कहाँ है भाई, ठीक है और कुछ? ओके अब इसको इंपोर्ट करके देखते हैं ना होता है कि नहीं होता। देखो ये हो रहा है ना, बटन फ्लो बाइट मतलब इंस्टॉल हो चुका है हमारा। चलो मतलब ये सब तो सही है, ठीक है। एक बार इस मॉडल को हम कहाँ पे ओपन करें, एक बार मॉडल को हम ऐप डॉट जे एस एक्स में ओपन करके देखें या फिर कॉन्टैक्ट में ही कर लेते हैं। चलो यहाँ पे इसके बाहर कर लेते हैं। अच्छा ये मॉडल और ये मॉडल भाई दिक्कत कर रहा है। ओके तो क्या नाम रखे इसको, मॉडल सेक्शन रखते हैं, रुको एक मिनट।
चलो ये तो चेंज कर दिया, अब एक बार कॉन्टैक्ट में इंपोर्ट करके देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब ओके कॉन्टैक्ट में चलते हैं। आया कि नहीं आया? यहाँ पे तो नहीं आया भाई, कैसे आएगा, कहाँ पे आएगा? हाँ ये आ गया टॉगल, देखते हैं ओपन करके। ओके नाइस, ओपन तो हो रहा है भाई, चलो बढ़िया है। जैसे इस पे क्लिक करो ये ओपन हो रहा है। चलो ठीक है, इसको अब यहाँ से हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, बस चेक करना था मुझे। अभी इस मॉडल को हमें यूज कहाँ पे करना है? कार्ट में यूज करना है ना। एक दो प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को यूज करना है चेकआउट पे, राइट। तो इस काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेकआउट। इसको इसको क्लिक करने से तो ओपन हो रहा है ना, ठीक है। लिख देता हूँ मैं चेक आउट, लिख दिया। अब इस मॉडल को वहाँ पे कॉल कर लेंगे। कहाँ गया भाई हमारा चेकआउट, कार्ट वाला सेक्शन कहाँ गया? ये तो हमारा चेकआउट वाला बटन कहाँ पे है, पहले तो ये ढूंढो चेकआउट है कहाँ। ये रहा, ये बटन है चेकआउट। यहाँ पे मैं मॉडल को कॉल कर लेना, बस एक बार इसको कमेंट करता हूँ। और यहाँ पे मॉडल को कॉल करते हैं, मॉडल सेक्शन, ठीक है। देखो आ गया ना चेकआउट। अब इस पे ओके कर रहे हैं तो ये फॉर्म ओपन हो गया है ना, बढ़िया चीज। चलो इस चेकआउट में हमें बटन को थोड़ा सही करना है, राइट। तो इसको मॉडल वाला कहाँ गया भाई? इसमें देख लेते हो बटन कैसा है, कैसा अभी। ये रहा बटन, कहाँ गया चेकआउट का बटन? ये रहा, इस बटन को, ये जो था ना बटन, वो भी पेस्ट कर लेते इसकी क्लास को, है ना। इसकी क्लास को कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी और ठीक हो गया। ओके अब इस चेकआउट को हटा दो। पैडिंग भाई थोड़ी कम करनी पड़ेगी। अभी सही है, चेकआउट पे क्लिक करो, ये फॉर्म ओपन हो गया, ठीक है। अब इस फॉर्म में काम कर लेते हैं हम। फॉर्म में क्या चाहिए हमें, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, हमें इस पे आ जाते हैं। हमें क्या क्या चाहिए अभी इनपुट बॉक्स में, ठीक है। इस पे क्लिक करती है हमें, देखो ये तो साइन इन तो नहीं चाहिए ना, साइन इन को हटाओ। साइन इन इसको हटाओ पहले, तो वीडियो चल रहे हैं ना। हाँ भाई चलो ठीक है, हमें पासवर्ड तो नहीं चाहिए ना। ओके पासवर्ड में नहीं चाहिए, पासवर्ड कहाँ गया? ये रहा, टेक्स्ट चाहिए हमें इसकी जगह पे, टेक्स्ट। और लेबल में क्या चाहिए? योर पासवर्ड नहीं, चलो अभी तो इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे योर पासवर्ड नहीं चाहिए हमें। ओहो एंटर फुल एड्रेस, एंटर योर नेम। यहाँ पे मुझे एक नेम भी चाहिए उसका, एक्स टेक्स इनपुट ये है ना। ये ठीक है, और ये किस इसका है? ओके ये ओके नाइस। तो एक और कॉपी करो इसको, और मेरे को चाहिए यहाँ पे एक और योर फुल नेम। प्लेस होल्डर हटा दो यहाँ से, लिखा तो है ऊपर है ना।
ईमेल वगैरह पुलिस को तो बाद में चेंज कर लेंगे, कोई नहीं, अभी तो मेरे को बस ये चेंज करना है, योर फुल नेम, योर ईमेल, योर ईमेल, फुल एड्रेस हो गया, और मुझे भाई एक पिन कोड भी दे दो अपना। यहाँ पे अगर फुल एड्रेस हो गया, एक दो हो गया, तीन, योर ईमेल हटा दे क्या, ईमेल की जरूरत है नहीं, ईमेल तो हमारे पास होगा इनका। फुल नेम चाहिए मेरे को, एड्रेस चाहिए, उसका पिन कोड चाहिए, तो ईमेल को अगर हम हटा दें, ईमेल कहाँ गया, ये है ना, ठीक है, कंट्रोल एक्स करो इसको, ठीक है, योर ईमेल हो गया, एंटर फुल एड्रेस हो गया, और इसके बाद मैं फुल एड्रेस के बाद क्या बोलता हूँ कि मुझे अपना पिन कोड दे दो भाई, योर पिन कोड हो गया, रिमेम्बर मी, रिमेम्बर मी, हमें जरूरत नहीं है लॉस्ट योर पासवर्ड, इस इन सब की जरूरत नहीं है ना, रिमेम्बर मी, ये हाँ, इस चीज़ को हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, फुल नेम, एड्रेस, योर पिन कोड और मोबाइल नंबर भी चाहिए हमें एक। तो एक काम करते हैं, इसको ही कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं यहाँ पे, योर ऑर्डर नाउ, यहाँ पे लिखते हैं एक बटन, देखो यहाँ पे प्लेस होल्डर इसका हटा देते हैं ना, इसका प्लेस होल्डर हटाओ, इसका भी हटा दो, ये वैल्यू वगैरह आईडी वगैरह तो बाद में चेंज कर लेना, अभी तो मेरे को ये ऊपर ऊपर से चेंज करना है ना, ये अकाउंट रजिस्टर नहीं चाहिए हमें, रजिस्टर नॉट रजिस्टर, क्रिएट ये वाला सेक्शन नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर नाउ, फिर तो फुल है यार, फिर क्यों नहीं आ रहा इसमें, ये अभी चेकआउट पे क्लिक करते यार, लेकिन अगर मैं ना देखो, अगर मैं इस पे ऐसे फिल करता हूँ ना, देखो इसमें भी कर रहा है, इसमें भी, इसमें भी, क्योंकि हम हमारे पास एक ही स्टेट है, अगर देखा जाए, देखा जाए तो हमारे पास एक ही स्टेट है, अगर देखा जाए कहाँ गया भाई, मॉडल मॉडल, देखो स्टेट हमारे पास एक ही है ईमेल का, और इसी को मैंने वैल्यू सब में दे रखा है, स्टेट एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, उसमें ईमेल फोन नंबर वगैरह डालने पड़ेगा, जैसे मैंने लॉगिन साइनअप में किया था, देखो ऐसे ऐसे करना पड़ेगा इसको, तब जाके सही होगा वो तो। अरे यार शॉपिंग कार्ट ऊपर से लगे, इसको मार्जिन थोड़ा देते हैं ना, कार्ट में अगर जाए भाई, स्ट्यू को मैं अगर एम टॉप से अगर मैं 100 पिक्सल दूँ, अब सही हो गया है ना, सही, नहीं, ये नीचे चला गया थोड़ा सा, 80 रखते हैं, 80 में सही है भाई, मेरे ख्याल से 80 में सही है, एक काम करते ना, इसको ना सब में लगा देता हूँ मैं, कॉपी करके होम में चलूँगा ना, तो होम में भी दिक्कत है, इसलिए ऊपर चला गया, तो अगर मैं जाऊँ हीरो सेक्शन में और इसको मैं बोलूँ कि भाई ऐसे हो जा, तो इतना हो गया ये ऐसे करके, इसको बोलता हूँ मैं 75 कर दे, अच्छा ओके 73 कर ले भाई, सही है ना, हाँ सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही ऑल प्रोडक्ट में भी दिक्कत है क्या,
ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओल्ड प्रोडक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, अबाउट में भी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टैक्ट में दिक्कत है थोड़ी सी बस। तो कॉन्टैक्ट वाले सेक्शन में चल लेते हैं भाई। और मार्जिन टॉप सी 80 पिक्सल दे देते हैं। हाँ ठीक है, बीच में आ गया ना, सही है, इतना ही चाहिए था मुझे। ठीक है, अब इस पे काम कर लेते हैं, इस वाले सेक्शन में। तो मॉडल में चले तो हमारे पास देखो ईमेल है, ऑर्डर डिटेल्स, राइट, ऑर्डर की डिटेल्स है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके अंदर मेरे को क्या क्या चाहिए भाई। अरे यार चला गया वो, तो मेरे को चाहिए एक तो चाहिए नेम, फुल नेम लिख लेते, चलो फुल। उसके बाद क्या चाहिए, हाँ एड्रेस, एड्रेस की स्पेलिंग क्या है यार, EDDR ES, ठीक है एड्रेस चाहिए। और क्या चाहिए, मोबाइल नंबर, बस सेट। ईमेल की जगह मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑर्डर डिटेल्स। वैल्यू में क्या लिखेंगे, वैल्यू में यहाँ पे लिखेंगे भाई कि सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। फुल नेम है ना, कहाँ गया, यहाँ पे फुल नेम है, ठीक है यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर डिटेल्स डॉट फुल नेम, ठीक है ओके, ये तो हो गया। आगे सेट ईमेल की जगह क्या आएगा, सेट ऑर्डर डिटेल्स, ओके ये हो गया चेंज। फुल एड्रेस आएगा ना, तो यहाँ पे इनपुट में, अच्छा चलो इसको देख लेंगे अभी, अभी के लिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आएगा सेट ऑर्डर, ठीक है मैं सबको मैं एक बार चेंज कर लेता हूँ एक बार। देखो इसमें नहीं लिखा था ना चेंजेस वगैरह, है ना, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर इसमें क्या है, मेरे को एड्रेस चाहिए, टेक्स्ट तो ये सही है, और क्या चाहिए था मेरे को, वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू में चाहिए ऑर्डर डिटेल्स डॉट एड्रेस, चलो ये हो गया। अब इसमें ऑन चेंज भी लगाना है, ऑन चेंज, और ऑन चेंज में क्या हमने पास, ऑन चेंज हम एक इवेंट पास कर रहे हैं, ये वाला कॉपी करो इसको यहाँ करके पेस्ट कर दो। अब देखो ऑन चेंज में हमें डिटेल्स चेंज करनी पड़ेगी, डिटेल्स क्या, सब जगह तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू चल जा रहा है। ये चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आई तो लॉगिन एंड साइन अप वाला तो समझ में आ गया होगा, वैसे ही कर रहा हूँ मैं, सेम टू सेम फॉर्म ही तो बना रहा हूँ एक तरीके से। यहाँ सक यहाँ तक तो सब कुछ सही है मेरे ख्याल से, और कुछ चेंज करने की ज़रूरत है इसके अंदर, एक बार देख लेता हूँ। इसमें अगर मैं लिखता हूँ, चलो इसमें लिखता हूँ, चलो ठीक है इसमें, इसमें चलो ठीक है, ये सब तो सही है। वैल्यू को हम क्लिक करने पर गेट करेंगे, वो तो कर लेंगे कोई नहीं। अभी इसके अंदर मैं जो देखता हूँ कुछ चेंज तो नहीं करना ना, हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी इसके बाद करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।